ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। वंदेवी, वंदेवी, क्या हुआ बसंती? तुम्हारे लव ने घोड़ा पकड़ लिया है, यज्ञ का घोड़ा, महाराज महाराज रामचंद्र का घोड़ा लव ने पकड़ लिया। लव, देखो लो, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। तो हम युद्ध करेंगे, इसीलिए तो हमें गुरु जी ने शस्त्र विद्या सिखाई है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अयोध्या की सेना से सामना करने के लिए तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखाई गई। घोड़ा छोड़ दो, तुम नहीं जानते महाराज रामचंद्र कितने पराक्रमी हैं, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। वाह, तब तो हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पराक्रमी के साथ युद्ध करने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। देखे हमने शस्त्र विद्या कहाँ तक सीखी है। और माँ, तुम्ही ने तो कहा था कि हम राजा के पुत्र हैं, युद्ध करना तो हमारे लिए गौरव की बात है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, इस युद्ध में कोई गौरव नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, राम जैसे आदर्श राजा से युद्ध करना अच्छा नहीं। आदर्श राजा, जिन्होंने अपनी निरपराध पत्नी को त्याग दिया, उन्हें तुम आदर्श राजा कहती हो? हाँ माँ, अयोध्या में हमें सब मालूम हो गया है। ऐसे राजा को हम चक्रवर्ती सम्राट का पद कभी ना प्राप्त करने देंगे, हम उनसे जरूर युद्ध करेंगे। भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं, ये नहीं मानेंगे। बेटा, बेटा, राम तुम्हारे गुरुदेव, 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 लव ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है, दोनों भाई श्री राम से युद्ध करने पर तुले हुए हैं। बड़ा अनर्थ होगा, सारा तपोवन उजड़ जाएगा। आप बोलते क्यों नहीं गुरुदेव, उन्हें समझाइए, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। पिता पुत्र का युद्ध अच्छा नहीं, मेरे बच्चों को कलंक लगेगा। चिंता न करो बेटी, आज ही मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव,
क्षमा कीजिए, लक्ष्मण जी घायल हो गए, दंडकारण्य में यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। किसने पकड़ा घोड़े को? तो ऋषि कुमारों ने, बड़े तेजस्वी है, बड़े पराक्रमी है महाराज। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण मत। भैया कुश, वे सब आ रहे हैं, अब मैं वायु अस्त्र छोड़ता हूँ। मुझे हरा दिया। कहाँ है वे बालक, कहाँ है वे? महाराज रामचंद्र आ रहे हैं, अब सच्ची कसौटी है। महाराज रामचंद्र की, 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 महाराज तो वही बालक हैं जिन्होंने रामायण का गान किया था। फेरो बालकों, फेरो। बालको, तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? हम आपको चक्रवर्ती नहीं होने देना चाहते। क्यों? आपने अपनी निर्पराध पत्नी का त्याग किया है, हम आपसे युद्ध करेंगे। ये नहीं हो सकता बेटा, लव कुश, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सीते, तुम हट जाओ माँ, हम युद्ध करेंगे। नहीं बेटा, ये युद्ध कभी नहीं हो सकता, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता हैं। अयोध्या के महाराज रामचंद्र हमारे पिता, और माँ तुम उनके घर से निकाली हुई अभागिनी सीता हो। सीते, और ये मेरे पुत्र। रुक क्यों गए श्री राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं, अपने पुत्रों को गले लगाओ राम। महर्षि, आप तो जानते ही
ये प्रजा की सम्मति के बिना। महाराज श्री राम गुरुदेव। आप देवी सीता को स्वीकार कीजिए। हाँ महाराज, सारी प्रजा ने मिलकर विनती की है कि आप महारानी सीता को स्वीकार करें। गुरुदेव सीते सीते। आर्य पुत्र, कहीं ये सपन तो नहीं? नहीं बेटी, ये स्वप्न नहीं है, मेरे स्वप्न की सिद्धि। आज मेरी रामायण पूरी हुई। बेटा लाओ कुछ, अपने पिता को प्रणाम करो। आज मेरी आत्मा को संपूर्ण शांति मिली। महर्षि, आपने इन बालकों से रामायण का गान करवा के अयोध्या की प्रजा का हृदय पलट दिया। आपको कोटिशः धन्यवाद। गुरुदेव, आपका वचन सत्य हुआ। आज मेरा कलंक धुल गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आर्यपुत्र, अब मेरे जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं। जी चाहता है इन पवित्र चरणों में विलीन हो जाऊं। जब तक ही